बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बात करने वाले हैं BSc थर्ड ईयर में और बॉटनी का ये सेकंड पेपर है, तो आप सभी लोग ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। ये 2022 में जो पेपर हो रहा है अभी हाल ही में होने वाला है उनमें आने वाले क्वेश्चन है बेटा, आने वाले, ठीक है ना, ये प्रश्न है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हो, मतलब कि 85% प्लस लाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? 85% का मतलब जानते हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर रहा है, ठीक है, और आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हम BSc थर्ड ईयर वालों बॉटनी का सेकंड पेपर है तो बस यहाँ ये लोग ये सिर्फ इतना कर रखे, कुछ यूनिवर्सिटी में यूपी के ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप अब ये मत कहना कि सर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी से हूँ, मुझे अलग से बनाओ। आप ये मत कहना कि मैं राम मनोहर लोही अवध यूनिवर्सिटी में अलग बनाओ। आप ये मत कहना कि मैं काशी विद्यापीठ से हूँ, मुझे अलग बनाओ। समझ रहे हैं ना? अब मुझे ये मत कहना कि मैं MJPRU से, मुझे अलग बनाओ, ये मत कहो यार। सिलेबस सबका एक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी एक है, और मैं आपसे प्रूफ नहीं, जितने भी यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है सभी यूनिवर्सिटी को अपलोड कर रहा हूं और यहां से बाहर कुछ नहीं जा रहा है। 90%, 95%, 87% ऐसे फंस रहा है यार, जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही आ रहा है, कुछ बाहर से नहीं आ रहा। क्या सोच रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग, इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ पढ़ो, जो एग्जाम में आ रहा है वो पढ़ो, फालतू मत पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं, 50-50, 100-100 क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग। अरे यार वो पढ़ो, अब वो पढ़ने का टाइम है जो आपको पेपर में छप रहा है क्वेश्चन, बाकी कुछ मत पढ़ो। अब देखो पहली क्वेश्चन को, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है 2022 में टॉपर बनने वाले हो। पहला क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड और संरचना, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है उसका वर्णन करो, पहला क्वेश्चन याद करो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध करिए। इस तरीके से आपसे पूछेगा कि डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध करो, तो आपको इसको बताना है। उसके बाद जेनेटिक कोड को देख लेना, 5 टाइप के जेनेटिक कोड होते हैं, सबको देख लेना। अब यहां कह रहा है जीवाणु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में आपसे पूछेगा, नीचे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन टिक लगा लेना। और एक हमारा न्यू चैनल है खिलाड़ी भैया XYZ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग फटाफट अभी। और यहां देखो क्या है, विटामिन्स के टाइप, विटामिन्स के प्रकार कितने होते हैं, जितने टाइप के विटामिन्स हो सभी पढ़ लेना, ABCDE स्रोत वगैरह, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लो यार, छप रहा है पेपर में, छप रहा है। ये 17 से 18 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप 85% लाने वाले हैं, आपको ये भरोसा होना चाहिए। और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, और विश्वास दिलाना हमारा काम है, समझ रहे हैं। यहां देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, सॉरी ऊपर बता चुका है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। यहां देखिए, यहां हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स को पढ़ लेना, इसको छोड़ दीजिए, पॉलीसेक्राइड को पढ़ लो क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन की संरचना और वर्गीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला मत करना, जीवाणु वाला मत पढ़ना, ठीक है, ये वाला पढ़ लो, ये वाला जबरदस्त वाला पढ़ो। ये है वाटसन और क्रिक के डीएनए, डबल हेक्सल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए का डबल हॉक्सल जो है, ठीक है, वाटसन क्रिक द्वारा जो दिया गया था मॉडल, उनको देखना है डीएनए मॉडल के बारे में, ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद में देखो यहां एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे एंजाइम है क्या, एंजाइम के कितने प्रकार होते हैं, उसकी क्रियाविधि, एक्शन, वो किस तरीके से कार्य करता है। अब यहां एक ये चीज आपको देखने को मिलता है, MJPRU रोल खंडी वाले स्टूडेंट हो तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको कि भैया ताला चाबी सिद्धांत, प्रेत जोड़ सिद्धांत, इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, रट रहा है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, समझ रहे हैं। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसको रटो, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ कह रहा है जीव की आधुनिक विचारधारा, जीव की आधुनिक विचारधारा क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। यह है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा आपसे पूछेगा, पढ़ लो, रट लो बेटा, रट लो। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि फेल करने वाला आपको कोई पैदा नहीं है यूपी के अंदर। वायरस मुक्त पौधे कौन कौन से हैं, डीएनए आरएनए में अंतर लगा लो, टिक, डीएनए आरएनए में अंतर लगा लो बेटा। उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर लगा लो। एंजाइम के प्रकार बताया था, क्रिया विधि हमसे गति के बारे में पूछा है, छोड़ दो। अनुलेखन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसे कहते हैं। गिब्स की मुक्त ऊर्जा अवधारणा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पे लगा देना इसको, मोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद में है डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको टिक लगाओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ओवरलिपिंग जीन, ओवरलिपिंग जीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओवरलिपिंग जीन देखो। उसके बाद में नीचे जाओ, यहां देखो, यहां बोला एटीपी का निर्माण कैसे होता है, एटीपी के बारे में देखो। बायो फर्टिलाइजर मोस्ट इंपोर्टेंट, बायो फर्टिलाइजर इज मोस्ट इंपोर्टेंट, डेथ लोड को देखो। यहां एलोस्टिक एंजाइम, मैंने बताया ना एंजाइम के प्रकार पढ़ लेना, तो क्यों एंजाइम, एलोस्टिक एंजाइम, एपो एंजाइम, ये एंजाइम के प्रकार होते हैं। जैसे कि देखो को एंजाइम हो गया, एपोस्टिक एंजाइम हो गया, जो हमने बताया ना ऊपर एंजाइम के प्रकार पढ़ लेना, तो वही तो एंजाइम है। डीएनए, अब देखो डीएनए हमने ऊपर बताया, डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना, अंतर आरएनए, तो आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, आरएनए में दो आपको देखना होता है, एक टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहता है, एक होता है मैसेंजर, जो मैसेंजर आरएनए होता है, इनको आपको देखना है। हाउस कीपिंग जीन इसको पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट। द्वैक संदेश वाहक सेकेंडरी मैसेंजर किसे कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर देखा है, सुना है भाई। यहां देखो, यहां है चारगाफ का नियम पढ़ लेना, चारगाफ का नियम क्या था, और टोरिटेसाइटी इसको छोड़ देना, गांव की विधि के द्वारा पूछा गया था, गाजर के उदाहरण के द्वारा, हो सके तो टोरिपोटेसी जो है, टोरिपोटेसी के बारे में पढ़ लेना, हो सके तो आपके गैस पेपर क्वेश्चन बैंक में दिया हो ये क्वेश्चन, और ज्यादा बार रिपीट हुआ है आपको, उसमें गैस पेपर लिखा होता है कि इतनी बार आया, तो उसको पढ़ सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन को पढ़ लेना, ठीक है, ट्रांसलेशन को पढ़ लेना है। नीचे जाओ बेटा, खत्म खत्म, ठीक है। अब देखो यहां आप जानते होंगे कल्चर तो जानते होंगे, एक होता है सबसे ज्यादा प्लांट टिश्यू कल्चर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई पेपर नहीं गया होगा आज तक के रिकॉर्ड में कि ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो आप इसको पढ़ लेना। कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप ओबरी कल्चर पूछ लेगा, इंपोरियो कल्चर पूछ लेगा, जैसे भ्रमण या फिर अमा से बोलते हैं, ठीक है, अंडा से बोलते हैं ओबरी कल्चर को, और ये है बेटा, ये जो कल्चर आप देख रहे हैं ये है जीव द्रव कल्चर, जिसे हम बोलते हैं देखो फोटोप्लाज्म कल्चर, ठीक है, तो आप इसको भी साथ में पढ़ लेना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ लेना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखो प्रत्यारोपण क्या होता है, प्रत्यारोपण को पढ़ लेना, प्रत्यारोपण देखो एक जीन एक हार्मोन्स, ये आता है आपसे पूछ लेता है, एक जीन एक हार्मोन्स। देखो विभाजित जीन किसे कहते हैं, स्लिपिड जीन जिसे बोलते हैं, विभाजित जीन इसे हिंदी में बोलते हैं, विभाजित जीन, इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद नीचे जाओ बेटा, नीचे देखो, खत्म, थर्ड पेपर आ गया यहां से। हार्मोन्स कौन से, एनिमल हार्मोन्स, मतलब कि जो पशुओं में हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पूछ लेता है, एक बार पढ़ के चले जाओगे तो कुछ चला नहीं जाएगा तुम्हारा, एक बार पढ़ लो बस, यही बहुत है। उसके बाद में आता है पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स मतलब ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स, पौधों में कौन कौन ग्रोथ कर सकता है, बता रहे हो, जैसे कि आप ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ पैदा करते हैं, मतलब ग्रोथ करने में मदद करते हैं, तो ये हार्मोन्स। उसके बाद में गति की ऊर्जा के नियम कुछ आपसे पूछ लेते हैं, तीन नियम थे, प्रथम नियम, सेकंड नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम को पढ़ लेना, यहाँ सेकेंडरी नियम दे रखा है, लेकिन तीनों नियम को पढ़ के जाना। दैहिक संक्रमण छोड़ देना, माइक्रोवाइल एंड जैविक इसको पढ़ लेना है, ठीक है, बाकी षड्यंत्र वगैरह छोड़ो, इंटरस्पेसिस, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ सकते हो, संकरण कैसे कहते हैं, संकरण मतलब कि आपस में जो प्लांट एक दूसरे से अपनी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि फीमेल और मेल करते हैं, उस तरीके से एक पोजीशन आती है, तो ये हर जीव में, हर पौधे में होता है, एक मेल और फीमेल, तभी पौधे पर फल फूल आते हैं, तो वो चीज़ हमें देखना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूँ आपने पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा, क्योंकि आप सबसे प्यारे हो, सबसे देखो मैं आपको सबको दोस्त मानता हूँ, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो, आप दोस्त की तरह रहिए, व्यवहार दोस्त की तरह होना चाहिए, प्यार भी दोस्त की तरह होना चाहिए, ठीक है ना, तो समझ रहे हैं ना, तो हम लोगों का जो दिल है वो एक जैसा होना चाहिए, सोच एक जैसी नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सही दोस्त समझकर मुझे, मेरी बात को समझा करो, आप सच में 100% क्लियर होगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते पर चलो, भटको मत इधर उधर, रास्ता बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, भटकना नहीं है, ठीक है, बहुत लोग तुम्हें रास्ता दिखाने वाले होंगे, लेकिन भटकना नहीं है, रास्ता वही चलना है जो लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं, समझ रहे ना, मतलब कि हम चल चुके हैं उस रास्ते पर, उस रास्ते पर दोबारा मत जाओ,
अब हम आपको बताते हैं वो रास्ता अपनाओ जो सबसे पहले आपको विजय बनाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।